तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, हम बात करते हैं पहले कार्य। हम इसको सिलेक्ट करके पिवट टेबल बनाते हैं। ये फाइल मैंने भी पिवट टेबल में, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम रखा तो नेम का लिस्ट आ गया, और कॉलन में हम एस डेट लिखेंगे तो डेट हमारा आ जाए। लेकिन डेट देखा इस तरह से बन गया है, यहाँ पे डेट आना चाहिए ना सर। अब किसी ने इसको अनग्रुप कर दिया यहाँ से, तो पूरा एक एक दिन गैप होके आएगा। इसको मुझे दिन की, क्योंकि एक दिन में कई बार एंट्री है ना, दिख रहा है आपको, एक ही तारीख कई बार रिपीट हो रही है। तो मैंने क्या किया कि इसको राइट क्लिक करके ग्रुप किया डेज वाइज, एक एक दिन का वाइज। तो अब मेरे पास जो डेट आ रहे हैं, एक डेट एक दिन आ रहा है, और प्लस मैंने से संबंध भी बन के नहीं आ रहा है। और फिर वापस मैं स्केल डेट को रख दिया वैल्यू में, जहां मुझे इसकी काउंट्स दिख गया। यहीं पे आपने गलती किया था सुनील जी, आपने इसकी इसका सम कर दिया था। मुझे यहाँ पे सम में काउंट डाला हमने, तो अब यहाँ पे जो यहाँ ये आ रहा है आपका जो ब्लैंक है, तो हमने राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गया और ब्लैंक में खाया, तो अब्सेंट कर दीजिए, ए डाल दीजिए। देखिए तो मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ, ए नहीं डालता। अब मेरा जो जीरो है वो ए शो होना चाहिए, और जो आपका नंबर्स है वो शो होने चाहिए पी। और इससे पहले जो टोटल्स है, एक टोटल हटा देता हूँ क्योंकि टोटल सही नहीं है। तो पिवट टेबल ऑप्शन में टोटल फिल्टर पे गया और मैंने इसके टोटल्स को यहां से रिमूव कर दिया, तो टोटल हमारे रिमूव हो गया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया। याद होगा आपका कस्टम फॉर्मेटिंग जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर में हम जाएंगे फॉर्मेट से, हाँ, और यहाँ हम एक मिनट कस्टम में जाएंगे, नंबर फॉर्मेटिंग में, या हम पी कर देंगे, गलत गलती से कर दिया। यहाँ पे हम पी करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है सबको पी देगा और जीरो को पी देगा। लेकिन मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसके चार पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट। तो पहला पॉजिटिव को जाता है, दूसरा निगेटिव को जाता है। तो निगेटिव के लिए कुछ है नहीं, हमारा तो पॉजिटिव और जीरो है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका जीरो के लिए। समझे, यहाँ पे एक गलत। तो जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं, फॉर्मूला के अंदर स्ट्रेटेजी इफ लगाया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, इस उसमें हम कॉमा सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेट होता है, तो पी और ए आ गया और यहाँ पे हम ओके किया। तो जो नंबर्स था पॉजिटिव में उसको उसने पी में कन्वर्ट कर दिया, और जो निगेटिव में था उसको उसने ए में कन्वर्ट। और समझ में आया? हाँ सर, डाउट उसमें? इसको सर काउंट कैसे करेंगे फिर? सही, काउंट करने का भी दूसरा तरीका है, काउंट इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो पी हुआ सुनील जी, ध्यान दीजिएगा, जो पी हुआ एक्चुअली पी नहीं है, इस टू को पी रिसेट कर रहा है और इस जीरो को ए रिसेट कर रहा है। अब इसके आगे जो चीजें हैं उसको हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूले वगैरह से भी हो सकता है, बहुत चीज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह भी है, तो आगे इसके बारे में बताया। फिलहाल आपको इतना समझ आएगा, इसकी प्रिंटआउट निकाल कर आसानी से ले जा सकते। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नो सर, नहीं सर। हेलो, हाँ जी बोलिए, कोई मैं लेट से ज्वाइन किया था सर, 2 मिनट। तो बात नहीं सर, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ।
तो हमने क्या किया, सिंपल सा डेट लिया, डेट में हमने पिवट जनरेट रिकॉर्डिंग का परमिशन दे देंगे सर। तो हमने डेट यहाँ पे डाला, हम यहाँ पे नेम को रखा रो में, स्कैन डेट को रखा कॉलम में और वापस रखा वैल्यू में, वैल्यू में काउंट हो गया। स्कैन डेट में यहाँ हम राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे और ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे डेट। ये आपका सिलेक्ट होगा डेज मंथ ईयर या टाइम मिनट सेकेंड भी होगा, तो इसमें से सिर्फ डेज कर दीजिए ताकि एक दिन सिर्फ एक बार आए। और फिर इस नंबर को पूरे को हम यहाँ पे जो जहां जहां ब्लैंक है उसमें जीरो लाने के लिए हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे जीरो दे देंगे एंड ओके, तो जीरो हो गया। और हम क्या करेंगे, इसकी टोटल एंड फिल्टर्स हटाने के लिए पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से टोटल फिल्टर्स में हम यहाँ से हटा देंगे और फिर हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन में माफ कीजिएगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम और यहाँ पे हम देते हैं इन्वर्टर को पी फॉर द पॉजिटिव, एक बार सिंगल कोड, फिर दूसरा बार सिंगल कोड और फिर यहाँ ए एंड अब समझ में आ गया जी सर। अब दूसरा हमारे पास है जिसमें इन टाइम भी है और आउट टाइम भी है और मुझे यहाँ पे चाहिए कि कौन कितना बजे आया और कितना बजे गया और जिसकी डेटा नहीं है वहां पे इसमें प्रेजेंट नहीं, मुझे टाइम चाहिए। तो हमने क्या किया कि इंसर्ट किया पिवट टेबल, नेम को उठाया मैंने रखा नेम इसमें रो में और इन टाइम को रखा कॉलम में ताकि डेट आए और डेट इस तरह से आया है। इसको सही करने के लिए हम ग्रुप पे जाएंगे और जो सेकेंड मिनट आवर डेज है उसमें से सिर्फ डेज को सिलेक्ट करके इतना आ गया। फिर मैं यहाँ पे इन को यहाँ रखता हूँ और यहाँ आउट को यहाँ रखता हूँ, दोनों को रखता हूँ। अब एक ही ध्यान रखिएगा कि जो आपका डेट होता है ना यहाँ पे डेट एक दिखता डेट है लेकिन जैसे ही इसको जनरल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे ये हो जाता है नंबर। तो नंबर और टाइम डेट है और डेसिमल इसका टाइम है। तो सबसे छोटा डेट सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे कि एग्जाम्पल कि मैं 6 बजे का टाइम डाला और फिर मैं 8 बजे का टाइम डाला। इन दोनों को अगर मैं जनरल फॉर्मेट में रख दूं तो देखिए 8 बजे का टाइम बड़ा है, 6 बजे का टाइम छोटा है। तो सबसे पहला टाइम मैं लगाऊं तो मैं यहाँ पे मिन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मिनिमम हमारा 18 आएगा और मैक्सिमम हमारा 20 आएगा। तो इसी को कंसेप्ट को लेते हुए हमने काउंट इनको वैल्यू में गया, मैंने कर दिया मिनिमम और आउट को मैंने कर दिया मैक्सिमम और ये ब्लैंक है ये एब्सेंट है, राइट क्लिक किया फॉर्मेट से और इस पे हमने बोल दिया ए, यहाँ पे मैं जीरो दिया तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए कर और टोटल में फिल्टर्स भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये सॉरी टोटल्स जो है हमारा अब इसमें हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका टाइम का फॉर्मेट दे देते हैं कंट्रोल से ऐड करें और यहाँ पे मैक्स ऑफ मीन आ रहा है तो मैं यहाँ पे इन कर देते हैं। इन एंटर करते ही आप बताएगा फिल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो एक स्पेस मार दीजिए आपका सारा इन हो गया। अब यहाँ पे आउट ये भी आप स्पेस मार दीजिए ये आपका आउट हो गया। यहाँ पे आप नेम दे दीजिए और इसके एक फॉर्मेट दे दीजिए आपका रिपोर्ट। तो सुनील जी और बाकी लोग समझ में आया, प्रमोद जी समझ में आ गया सर, थोड़ा सा स्पीड हो गया एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे पिवट लगाएंगे ठीक है। पिवट लगाने के बाद हम नेम को रखेंगे रो में, इन को रखेंगे कॉलम में और फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे
और ग्रुप पे जाएंगे और सिर्फ डेज को ग्रुप करेंगे, फिर मैं इनको वापस इसमें रखूंगा और आउट को वापस इसमें रखूंगा, और फिर इसकी जो वैल्यू फील्ड सेटिंग होता है ऑन कॉर्नर पे क्लिक करके उस पर मैं जाऊंगा और मैं मैक्स मिन इनको मिनिमम ले लूंगा, सबसे मिनिमम इन क्या है, और आउट को मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैक्सिमम ले लूंगा कि सबसे मैक्स कौन सा है, और जो ब्लैंक है इसके जगह पे पिवट टेबल ऑप्शन और यहाँ पे हम ए कर देंगे जो कि अब्सेंट हो जाएगा। देखिए इसको टाइम में दिखाना है तो पूरे को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसमें कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट से टाइम फॉर्मेट डाल देते हैं। टोटल्स रखने का कोई यहाँ पे तुक नहीं है, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से टोटल फिल्टर्स को डिस्प्ले हटा दें। उसके बाद इस रिपोर्ट को हम कहीं और ले जाते हैं और अपने हिसाब से इसको हम करेंगे। यहाँ पे आउट हो गया, आउट इन हो गया, इन इन और आउट। ठीक है, क्लियर सर? अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपका काम कीवर्ड से नहीं है, एक और आज का होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। अब इस रिपोर्ट को मैं कॉपी करके ले जाता हूं किसी एक डेटा के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं करता हूं वैल्यू पेस्ट और फिर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया इसकी फॉर्मेटिंग। अब मुझे क्या करना है कि हर डेटा के अंदर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है और ये हो जाएगा ड्यूरेशन आवर्स, आवर्स, और फिर इसको लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करना है और इसके ऊपर हमें कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है फॉर्मेट सेल में, क्योंकि ये तो 11:07 AM दिखा दिया ना, तो इसमें डेट में जाना है हमें, टाइम में 37:30 तो 7:11 इसमें किया और फिर नीचे तक इसको ड्रैग। ठीक है सर? सुनील जी, प्रमोद जी, यस सर, ठीक है सर। अब तो मैं मैनुअल कर रहा हूं, करने में काफी टाइम लगेगा, अब इससे इसका तो तरीका ढूंढिए जो कि बहुत जल्दी हो जाए, एक एक को इंसर्ट करना, फिर आवर लिखना, फिर माइनस करना, फॉर्मेट चेंज करना, थोड़ा सा टिप कर लगा। क्या बोल रहे सर? और मेरी क्लास yes, और मैं ऐसा करने का नहीं बोलूंगा, तो सो फाइंड द राइट वे, ओके? आपको डाउट है कुछ? नो सर, किसी की तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं सर, ट्राई करते फिर। ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, और सुनील जी आपकी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं।